स्वागतम न्यू BSS मॉडल 2021 जो TVS अपाची RTR 160cc 4V और ड्यूअल डिस्क ब्रेक है। और ये BSS मॉडल जानकारी बता रहा हूँ, पेट्रोल है और इसकी AC सीरीज सवारियों सब मिलाकर हर शहर का अलग रहता है। इसकी प्राइस है लगभग 1,20,565 रुपये। और दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, साथ हमें बेल बटन दबाएं। बेल बटन जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती है। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जो खेत क्रिकेट के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। भी क्रिकेट की कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को हमेशा मिलती है। दोस्तों, आगे इनकी इंजन की बात करें तो 160cc की है और मैक्स पावर इसमें 77.4 BHP और 9,250 RPM में जाती है। मैक्स टॉर्क इसमें 1,473 Nm और 7,250 RPM मिल जाती है, काफ़ी शानदार। और सामने पर बात है तो LED द्वारे साथ हेडलैम्प मिल जाता है, पूरे LED मिल जाते हैं, इंजिलेटर भी LED मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी शानदार ये TVS अपाची RTR 160cc 4V और देखने में काफ़ी पावरफुल दिखाई देती है। और सामने डिस्क ब्रेक मिल जाता, पीछे दम ब्रेक मिल जाता। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 270 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ABS डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाता है जो 130 mm का मिलता है। अलॉय व्हील 17 इंच के मिल जाते हैं और फ्रंट टायर 90/90-17 49 फीट ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर आगे पीछे दोनों साइड मिल जाते हैं। हाँ, ये है कि आप टायर की कंपनी अलग से लगवा सकते हैं जो आपको पसंद हो, CET, MRF, TVS, जो भी आपको कंपनी की पसंद हो। और रियर वाला टायर मिल जाता है 110/80-17/57 फीट ट्यूबलेस टायर और इसमें टैंक कैपेसिटी इसमें 12 लीटर आप फ्यूल भर सकते हैं और माइलेज लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति दे सकती है। कुल इसकी स्पीड जो है 360 किलोमीटर प्रति है माइलेज रेंज और काफ़ी शानदार दिखाई देती है। सामने पर TVS का लोगो यानी बेजी मिल जाती है। LED दीवार के साथ हेडलैम्प मिल जाता है। LED पूरे मतलब पूरे लाइटें LED टेल लाइट और हेडलैम्प पूरे सब इंजिलेटर LED मिल जाते हैं और काफ़ी शानदार। ये तीन कलर में आती है, रेड, ब्लैक और रेड कलर में और येलो कलर में आती है, काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और वहाँ पे टंकी के पास काफ़ी शानदार और जियान मिल जाती, ग्राफिक काफ़ी शानदार मिल जाती, RTR उसकी बेजी मिल जाती है और TVS की बेजी मिल जाती है, लोगो अपाची की बेजी मिल जाती है। एक मेन स्टैंड रहता है, एक साइड स्टैंड रहता है और 5 गियर की काफ़ी शानदार। और इसकी वेट की बात करें तो 1414 ग्राम है। लंबाई इसकी 2050 mm है, चौड़ाई इसकी 790 mm है और ऊंचाई है इसकी 1050 mm। व्हील बेस इसका है 1357 mm। ग्राउंड कंडीशन है इसमें 180 mm। सीट ऊंचाई जो है, सीट की ऊंचाई जो है 80 mm है और इसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं, मतलब कि दो लोगों के लिए बनाई गई है, काफ़ी शानदार। और इस डैशबोर्ड की बात करें तो इंजन अप डाउन करने के लिए मिल जाता है, सेल्फ के लिए मिल जाता है। और इंजन के बाद TVS की बेजी मिल जाती है और हेडलैम्प के लिए और इंजिलेटर के लिए पूरे कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं। हॉर्न के लिए मिल जाता है और डैशबोर्ड फ्यूल और पूरे इस में वो बताएगा क्या क्या वो है फीचर, काफ़ी शानदार फीचर मिल जाते हैं। पीछे साइड चैन हॉप कवर मिल जाता है और 160cc की बेजी मिल जाती है, और भी की बेजी मिल जाती है। पीछे शायद टेल लाइट जो है LED में मिल जाती है, इंजिलेटर भी LED में मिल जाती है, नंबर प्लेट के लिए मिल जाती है और मेड गार्ड हाफ मिल जाता है, काफ़ी शानदार जिगान मिल जाती है। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।